हेलो स्टूडेंट्स तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू लेसन दैट इज जॉडीज फोन यानी दिस इज जॉडीज फोन जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं ये फोटो में एक फोन है यानी हिरन का बच्चा और जोड़ी एक लड़के का नाम है तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहानी है ये

फोन को मारना पड़ा था और उस सॉरी डो को मारना पड़ा था और उसका एक छोटा सा बच्चा होता है जो जंगल में अकेला रह जाता है तो जॉडी जो है वो बहुत इमोशनली उससे अपने आप को अटैच पाता है और वो सोचता है उस बच्चे का क्या होगा क्योंकि उसकी माँ को तो पिता की जान बचाने के लिए मार दिया गया था तो चलिए ये जो स्टोरी है हाई लाइट्स वैल्यू सच एज लव केयर जस्टिस एंड कंसर्न फॉर लिविंग बींग इसलिए ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें दूसरों जानवरों के प्रति सभी के जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और एक केयर की भावना जस्टिस न्याय की भावना और कंसर्न चिंता होनी चाहिए तो चलिए पढ़ते हैं बहुत ही मजा आएगा बच्चों आपको क्योंकि ये कहानी एक आप ही की उम्र के बच्चे की है जोडी अलाउड थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड बार बार जोड़ी का दिमाग जो था बार बार ड्रिफ्ट बैक माने ड्रिफ्ट माने गो बैक है ना ड्रिफ्ट बैक टू यानी कि एक फ्रेज है गो, आ, गो बैक टू? बार बार आप देख रहे हैं इमेजिनेशन में वो फोन के बारे में ही सोचे जा रहा है आउट ऑफ इज माइंड आउट ऑफ इज माइंड माने अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा था वो फोन को ही हैड हेल्ड इट इन ड्रीम्स इन उसने सपने में उसको देखा कि वो उसको गले लगाए हुए है

ओल्ड डेथ जैसे कि ओल्ड डेथ को किसी व्यक्ति परसोनिफिकेशन किया गया है मानवीकरण किया गया है है डेथ डेथ का कि जैसे कोई death एक व्यक्ति है, जो वहाँ पे चोरी डालने आई थी लेकिन कहीं और चोरी डालने डाका डालने चली गई यानी कि इनके प्राण हरने आई थी लेकिन वो कहीं और चली गई और वो बहुत ही नैरोकेप उनका हुआ और वो बच गए वो कहते हैं तुमने अपना हेड को स्टेबल रखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है पा यन अब अपने पिताजी से बात कर रहा है

लेकिन वो फोन अभी भी वहीं पे होगा जंगल में शायद वो बहुत हंगरी होगा भूखा होगा और माने डरा गो एंड ब्रिंग इट है उसे घर लाना चाहते हो एंड रेज इट और पालना भी चाहता हूँ बट यू हैमडन माने फंसा देना सिचुएशन में फंसा देना कहा तुमने मुझे फिर से देखो एक नया फ्रेज है येमडन इसको नोट कर लीजिए

मैंने कहा है तुम जा सकते हो तो वो देखिये अपने पिता से परमिशन ले के उसको ढूंढने जा रहा है अब ये बैक टू द रूम वेज मदर वॉज अबाउट टू पो कॉफी फॉर एवरी वन फिर वो सेटल बैक माने वॉक बैक चल के गया जल्दी से अपनी मदर के कमरे में आप देख रहे हैं ये फोटो में कि उसकी माँ है जहाँ उसके हाथ में कॉफी डालने जा रही थी बट सी जोड़ी शी पॉट कॉफ़ी पॉट इन मिड जोड़ी को देख के उनके हाथ में मग ऐसे ही रह गया और डाली नहीं कॉफी माँ आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन कहा पापा कह रहे हैं कि मैं फोन को ला सकता हूँ वॉट फोन कौन सा फोन द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी यूज द डो इज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा उसने कहा वही फोन को लेने जा रहे हैं जिसकी डो को जिसकी माँ को हमने मार दिया था और हमने उसके लिवर को यूज किया था उसकी माँ के लिवर को पापा का जहर निकालने के लिए वेल फॉर पिटी से पास इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ उसने कहा पापा कह रहे हैं कि अनग्रेटफुल होगा एहसान फरामोश होगा उसको भूखा स्टाफ माने भूखा मरने के लिए छोड़ना दैट्स राइट मैम नथिंग इन दिस वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री तो ये जो बैठा हुआ है इसने डायलॉग बोला कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता है ही कैन राइड मिल व्हील ने कहा ही कैन राइड विथ मी आई हेल्प हिम फाइंड हिम उसने कहा मैं इसको ढूंढने में मदद करूंगा वेल इफ यूल गिव इट योर मिल्क वी गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट उसने कहा तुम्हें अपने हिस्से का दूध उसको देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी बिसाइड्स आई एम एंशियस यू विल बी गॉन लॉन्ग और मुझे चिंता भी है कि तुम्हें बहुत टाइम लगेगा I'll be back before dinner for sure. श्योर उसने कहा नहीं मैं डिनर तक आ जाऊंगा पक्का She gasped anxiously and sat down the pot helplessly. उसकी मदर की समझ में नहीं आ रहा था वो यहाँ कहे ना कहे वो गैस मैंने उसने एक सांस ली anxiously मैंने बेचैन होके और उसने उस पॉट को जो कॉफी पॉट उसके हाथ में था उसको टेबल पे रख दिया तो आप देख रहे हैं कि जोड़ी जो था वो बिल्कुल डिटर्मिन था कि उसको फोन को बचाना है ये देखिए Mounted माने घोड़े पे चढ़ना। जोड़ी क्या वो अभी वहाँ पे होगा उसने कहा कैसे पता कि वो नर है है है। ना वो का बच्चा नर और तुम्हें जिंदा होगा तो मिल ही जाएगा तो उसने बताया ये बच्चों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इट स्पॉट्स आर ऑल इन ऑन अ डो फोन पास इज द स्पॉट्स आर बे एवरी विच वे उसने कहा जो स्पॉट्स uh, होते हैं जो दाग होते हैं छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं डो फोन में है ना और पास इज द स्पॉट्स आर एवरीवेयर और जो मेल होता है उसमें स्पॉट्स हर जगह बिखरे हुए थे तो ये निशानी है कट टू द नॉर्थ मिलवील उसने कहा नॉर्थ को चलो इट वॉज अप देयर दैट दट गॉट गॉड बिटेन बाई द स्नेक एंड किल द डो आई सॉ द फोन उसने कहा नॉर्थ को चलो वहीं पे उसको पा को पापा को पा मीन्स पापा को सांप ने काटा था और वहीं पे उस डो को मारा गया था मैंने वहीं पे फ़ोन देखा था एज दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग अबेंडेंट माने क्या होता है जो डिजर्टेड uh, जो uh, छोड़ दिया जाता है जमीन को तो एक क्लियरिंग सी थी क्लियरिंग माने साफ जगह जोडी गेव हिम सेल्फ ओवर टू थाट्स ऑफ द फोन जोडी के दिमाग में फोन ही फोन चल रहा था सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल विल विथ हिम अचानक सोडी जोडी को लगा कि मिल विल को भी उनके संग नहीं आना चाहिए बट आई माई फ्रेड टू लीव यू बॉय सपोज यू गॉट लॉस्ट और गेट बिटन बाई द स्नेक टू उसने कहा लेकिन मैं जो तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जाँ? अगर सांप ने काट लिया या तुम रास्ता भूल गए तो it's not far now. अब दूर नहीं है उसने कहा वैसे भी आगे घोड़ा नहीं जा पाएगा स्क्रब माने झाड़ियां बहुत ज्यादा नजदीक घनी है तो घोड़ा नहीं जा पाएगा मुझे पैदल जाना पड़ेगा अब उसके दो कारण बताता है कि क्यों वो नहीं चाहता कि मिलवील इसके संग जाए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कि uh, तो इसका आंसर ये है कि दो कारण है फोन डेड और आई कुड नॉट है disappointment seen, वो नहीं चाहता कि उसकी डिसअपॉइंटमेंट उसकी निराशा को मिलवील देखे एंड इफ द फोन वॉज डेड और अगर फोन मिल जाता है दोनों ही द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट आई वु के नॉट इन डर टू शेयर इट कि मैं उसको इंड्योर नहीं कर सकता हूँ हैंडल नहीं कर सकता हूँ शेयर करने का यानी कि दोनों स्थितियों में अगर वो मिल जाता है और नहीं मिलता है दोनों ही स्थितियों में वो नहीं चाहता है कि मिल वील उसके साथ हो तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आई विल टेक केयर इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन उसने कहा हाँ मुझे लंबा समय लगेगा फ़ोन को ढूंढने में इफ़ यूज़ वॉन्डर लिव मी हेयर ऑफ राइट हेयर उसने कहा यहीं छोड़ दो ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट There there, the bearing. Bearing माने निशानी। निशानी उसने कहा, मुझे पता है, मैं आ तो I am obliged. मैं आपका एहसान धन्यवाद देता हूँ अब आप देखो ये आया तो ये चिड़िया उसके ऊपर उड़ रहे हैं कैसे तुम्हें तो चिड़ियों को झाड़ता झूड़ता इधर आ रहा है फिर वो आता है यहां आके देखता है वो कि तो ये डो मरी हो उसके ऊपर ये बड़े बड़े वल्चर और गिद्ध वगैरह सब बैठे हुए हैं खा रहे हैं और वो ढूंढता है वो झाड़ियों में देखता है और वो फोन को ढूंढ रहा है तो ये पूरा एक जंगल का सीन है ये क्लियरिंग मतलब एक साफ रास्ता सो लॉन्ग देन सो लॉन्ग ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हु टू एंड माने घोड़ों के पैरों की आवाज वो इंतजार करने का घोड़ों के पैरों की आवाज कम हो जाए देन कट टू द राइट द स्क्रब वॉज स्टिल स्क्रब माने स्मॉल फॉर्म ऑफ प्लांट यानी कि झाड़ियां तो बहुत स्टिल था स्टिल माने शांत था ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस केवल उसी के पैरों की आवाज जो थी वो उसमें जब वो सूखी पत्तियों पे पैर रख रह रहा तो क्रैकल की आवाज आ रही थी है ना ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन उसे एक पल को लगा कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया क्योंकि एकदम शांति थी वहाँ पे द सैंड शो लार्ज कैट प्रिंट्स एंड द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स फिर वो थोड़ा आगे आए तो उसने देखा सैंड पे यानी मिट्टी के ऊपर कैट प्रिंट्स लार्ज कैट प्रिंट्स यानी बड़ी बड़ी बिल्ली के निशान थे बट द बिल बड़ी बिल्ली मतलब यहाँ पर क्या है कि बड़ी बिल्ली लेपर्ड या टाइगर के निशान थे और शायद वो डो को छोड़ दिया उन्होंने क्योंकि वो फ्रेश मारते हैं वो खुद मार के खाते हैं ये उनकी हैबिट होती है तो इसलिए वो डो पहले से ही मरी हुई थी तो उसको वो लोग उसने नहीं खाया वहाँ से चले गए टू द कैरियन बर्ड्स कैरियन माने क्या होता है जो ये गिद्ध वगैरह वगैरह होती है, होती हैं, 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 हैं। वल्चर्स इनको कैरियन बर्ड्स कहते जो लेफ्ट ओवर मीट खाती चित्र में, कि उसके आती से और फिर हवा में उड़ जाती है सर्कल राउंड डेड बॉडी ऑफ द डो तो बजार्ज जो थी वो गोले में बैठी हुई थी डेड बॉडी पे डो की दे टर्न देयर हेड एंड देयर लॉन्ग क्रॉनी नेक्स

तो वो जो मीट खाती है ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन बट इट वॉज इन देयर फिर उसने पार्टेड माने अलग अलग किया घास को जहाँ पे उसको उम्मीद थी कि फोन होगा लेकिन फोन वहाँ पे नहीं था तो आपने इस पूरे चित्र में देखा कि जंगल का डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे जंगल में आ रहा है और उस जगह पे आता है जहाँ पे डो मरी हुई है और वहाँ बाजार से है उसको खा रहे हैं लेकिन उसको फोन कहीं भी दिख नहीं रहा है

उसकी पूरी ही, लेकिन वो वो नहीं। नहीं यानी कि जो बहुत थका हुआ था, था, भूखा और बिल्कुल भी उसने उसने कोई दिया। फिर क्या होता है? उसकी दोनों स्ट्रोक माने सहलाना इतनी जेंटली माने इतने प्यार से सहलाया एज दो चाइना डियर जैसे कि फोन कोई चाइना डियर हो चाइना डियर माने बहुत ही क्ले का बना हुआ जो आसानी से टूट जाए

एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड इट लेग्स लंप लिम्बली हंग लिपली हंग माने लटक रही लिपली माने ऐसे कोई लंगड़ा होता है जैसे उसके पैर लटक जाते हैं ना जिसमें जान नहीं होती तो उसने उसको जब गोदी में उठा लिया तो उसके पैर नीचे ऐसे लटक रहे थे एंड हेज टू होल फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर आजाम और उसको उस फोन को काफ़ी ऊँचा ले जाना पड़ा ताकि उसके पैर जो जमीन पर ना टच हों क्योंकि वो खुद भी जोड़ी भी छोटा था लेकिन फोन जो होते हैं उनके पैर जो होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े लंबे लंबे रहते हैं तो वो इस तरह से उसके पैर लटक रहे थे अब आप देख रहे हैं ये ही अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड एंड एट साइट स्मेल जब उसको लेके आने लगा तो उसे लगा कि ऐसा ना हो कि वो उसको लेके आ रहा है तो वो अपनी माँ को जब देखे मरी हुई पड़ी हुई तो वो जो जो से चीखने लग जाए भागने की कोशिश करे किक मारे है ना क्योंकि रास्ता तो वही था आने का ही स्कर्टेड द एंड पुश्ड हीट इन टू द थिकेट तो उसने माने को को तरफ किया और और उस उस घने रास्ते से निकलने लगा। इतना घना सा जंगल था उस में कि उसको फोन फोन जोड़ी गोदी उठा के चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि एक तो उसमें चलने का रास्ता नहीं था कोई बना हुआ और फिर वो भारी था उसके पैर नीचे लटक रहे थे द फोन कॉट इन द बुशेज नॉट लिफ्ट हिज ओन फ्रीडम और उसके जो जो फोन के जो लेग्स थे मैंने बताया ना बहुत लंबे लंबे थे और नीचे तक लटक रहे थे तो वो बुशीजी में झाड़ी में फंस जाते थे और वो उनको उठा नहीं पा रहा था फ्रीली ही टू शील्ड फेस फ्रॉम वाइन्स और जो कटीले पौधे थे उनके कांटे वाले उनके वो कोशिश कर रहा था कि उसके चेहरे को वो बचा ले तो उसको इस तरह से आप फोटो में देख सकते हैं कैसे गोदी में उठा के एक हाथ से झाड़ियों को करते हुए और रास्ता क्लियर करता हुआ आ रहा है इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड कि उसका हेड जो बॉब बॉब माने एक प्राउड गर्व से हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम और उसका जो हार्ट था बहुत माने जोर जोर से बज रहा था उसका हार्ट उसके दिल में धड़कने तेज हो रही थी विद द मार्वल मार्वल माने उसको खुशी हो रही थी कि उसको उस फोन ने एक्सेप्ट कर लिया कि फोन उसको देख के चीखा नहीं चिल्लाया नहीं भगने की कोशिश नहीं की और चुपचाप उसकी गोदी में बड़े प्यार से आके बैठ के आ रहा है तो ये सोच के उसका दिल जोर-जोर से धड़क रहा था. माने बना-बनाया जो रास्ता होता है लोग चलते हैं ना. वो बहुत जल्दी जल्दी उस जंगल से निकल के आया और फिर वो रोड पे आ गया उस रोड पे जहाँ से उसके घर के लिए रास्ता मुड़ता था इंटरसेक्ट माने कटता था ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फॉन्टाउन इट्सिंग वो थक गया था

उसके फादर ने उसको एक बार बताया था कि अगर आप फोन को उठा चलो के चलोगे तो फिर वो आपके पीछे पीछे आता है तो उसने यही करा तो देखो फोन को वहाँ छोड़ के थोड़ा सा आगे आ गया ही स्टार्टेड अवे स्लोली फोन ने भी पीछे पीछे आने की कोशिश करी द फोन फोन स्टेड आफ्टर हिम उसको घूरता रहा ही केम बैक टू हिम एंड स्ट्रोक एंड वॉक अवे अगेन लेकिन थोड़ा सा वो चला फिर चलना नहीं शायद वो थका हुआ था भूखा था इसलिए फिर वो जोड़ी वापस आता है उसको स्ट्रोक करता है सहलाता है और उसको फिर से लेके चलने लगता है फ्यू वॉब स्टेप्स टू वर्ड हिमिंग मानेटी लड़ाते हुए थोड़ा सा चला चीखने लगा, और वो उसको अच्छा लगा जोड़ी को की ये फोन मेरे पास आना चाहता है, है ना, मेरे को फॉलो कर रहा है मेरा हो, मेरा है सब कुछ उसका जो फोन है वो मेरा है तो उसको ये फीलिंग बड़ी अच्छी लग रही थी

बट ही डेयर नॉट अलाम इट डरा अलाम माने डराना पर वो किसी भी दशा में उसको डराना नहीं चाहता था ही इट इट अप एंड इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स उसने उसको उठाया और उसको अपने दोनों बाजुओं में ले लिया इट टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बिना एफर्ट के चल रहा है तो बच्चों अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में हम इसका सेकंड लेंगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके वर्ड मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग्स नोट कर लीजिए फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है थैंक यू